सो गाइस आप लोग थंबनेल तो देख ही लिए होंगे, ज्यादा कुछ बोलने का दरकार नहीं है। तो यही बोलना चाहता हूँ, फिर से आ गया है मेरा नया बर्ड। गाइस बहुत दिन से ये बर्ड के लिए ना मैं सेविंग कर रहा था, क्योंकि गाइस आप लोग को तो पता होगा प्राइस अभी बहुत ही हाई चल रहा है। तो देखिए जो मेल बच्ची है ना धीरे धीरे टेम हो रहा है, मेरे को देख के आ जाता है ऊपर, देख सकते ये धीरे धीरे हो रहा है टेमिंग। मैं प्रोसेस दिखाऊंगा लेटर ऑन, तो वो तो किसी और वीडियो में आएगा। तो आज का वीडियो है मेरा नया बर्ड्स के ऊपर, जो कि है कॉकटेल लुटिनो। और गाइस इसे पहले मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद फुल डिटेल्स बताऊंगा। तो पहले ये चादर हटा देता हूँ, क्यों दिया हूँ ये चादर मैं वो भी बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि इसे मतलब गर्मी में ढकने के लिए, ये नहीं है, रीजन कुछ और है। रीजन ये है कि जस्ट दो दिन पहले लाए हो और ये बहुत स्ट्रेस में है। और गाइस इसलिए ये लगभग कल रात से खाना शुरू किया था, मतलब एक दिन या डेढ़ दिन पूरा खाया ही नहीं था कुछ। तो गाइस इसलिए मैं ढक के रखा हूँ ताकि कोई अगर इधर से आए या फिर मैं भी आऊँ तो ये लोग देख ना पाए वो सबको, और ये लोग जो है फिर से ऐसा टेंशन में ना आ जाए, इसीलिए मैं ये ढक रखा हूं। तो खैर अभी मैं खोलता हूं आप लोग को दिखाने के लिए। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं अभी जो साउंड है कर रहा है, तो वो कल रात से कर रहा है, मतलब उससे पहले किया नहीं था एक दिन। सो पहले मैं इसे हटा देता हूँ। सो गाइस इसे उतर देता हूँ, ये देखिए गाइस ये है मेरा नया कॉकटेल पेयर। गाइस ये जो है सेमी एडल्ट पेयर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा आप लोग को मे भी काला दिखाई देगा, पीछे से धूप आ रहा है इसलिए। तो मैं बता देता हूँ ये जो राइट साइड वाला है ये है फीमेल, और ये लेफ्ट साइड जो वाला जो है ये है मेल। दिखाई दे रहा है मैं मेल का एज है लगभग 4.5 to 5 months, और फीमेल का जो एज है वो लगभग 6 months के आसपास है। तो थोड़ा छोटा है मेल, खैर कोई बात नहीं, मैं सेमी एडल्ट से रहा हूँ, एडल्ट पेयर मैं देना नहीं चाहता। और गाइस देखिए अभी जो है मेरे को देख के बहुत ही मतलब स्ट्रेस में आ रहा है, देखिए कैसे ये कर रहा है, इसलिए जो है थोड़ा खाने में दिक्कत हो रहा है। मेरे को कैसे पता चले ये खाया, देखिए उधर जो मैं कटोरा दिया उसके सामने जो है चना का थोड़ा मतलब जो ऊपर का लेयर है वो गिरा हुआ है, इवन इधर भी थोड़ा गिरा हुआ है इसका पॉटी के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसे मेरे को पता चलता है थोड़ा बहुत खाया, कल जो है थोड़ा बहुत दाना भी खाया था। देखिए दाना का जो है ऊपर का कवरिंग है, आप लोगों को मैं भी सुनाई नहीं देगा, देखिए क्योंकि बहुत ही ये मतलब वॉयस आ रहा है इसका। ऊपर में भी फिंच है, उधर आ रहा है, नीचे भी बच्ची से, देखिए ये गाइस ये जो मेल बच्ची से आ जाता है। और गाइस ये जो मेल है इससे ज्यादा ये ज्यादा मतलब साउंड निकलता है, और मेल जो है थोड़ा दिन बाद व्हिसलिंग करेगा लगभग, और डेढ़ दो महीना बाद। तो गाइस पहले मैं बोलता इसे खाना क्या देता हूँ। अभी देखिए मेरे पास कटोरा नहीं है, फिर से जब गलीब जाऊंगा तो लेके आऊंगा, अभी नहीं है इसलिए घर का जो था वही दे दिया। सो गाइस पहले इसे मैं थोड़ा मैं केज खुल के आप लोग को दिखा देता हूँ क्या ही खाना देता हूँ। गाइस आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इधर है चना, कुछ मतलब लेयर की लोग ने इसे उठा लिया, और है बीन्स, और ज्यादा कुछ मैं अभी सॉफ्ट फूड नहीं दिया हूँ, तो ऐसे वीडियो करने में थोड़ा ठीक होगा। तो अभी जो है ज्यादा सॉफ्ट फूड और कुछ दिया नहीं हूँ। और गाइस ये मैं चने देता हूँ बेसिकली, और ये है सुबह का टाइम, मतलब दोपहर का टाइम है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस ये सुबह का टाइम और दोपहर का टाइम तक मैं ये चने बीन्स और जो है थोड़ा बहुत कैरेट थोड़ा बहुत एग्स ये सब सॉफ्ट फूड देके रखता हूँ, और जब जब शाम हो जाता है तो मैं क्या देता हूँ दिखा देता हूँ। गाइस इधर है ये है कैनडी, कैनडी सीड है, थोड़ा मैं सैंपल लेके दिखा रहा हूँ। और गाइस इधर देखिए इधर है मेन चीज, ये देखिए यह है मिक्स सीड, मतलब इधर है कंगनी कैनडी, उसके बाद कैल्शियम कटल बोन का थोड़ा टुकड़ा, सनफ्लावर, सनफ्लावर अभी ज्यादा नहीं देना। और एक चीज गाइस, और एक चीज मैं बोल देता, अगर आप इस टाइम पे ये गर्मी पर पाल रहे हैं, देखे मेरा जो पीछे खिड़की है इधर से धूप आता है डायरेक्ट, तो अगर इस टाइम पे आप लोग ये कोई भी पंछी नॉट ओनली कॉकटेल कोई भी पक्षी पाल रहे, आप लोग को एक चीज दिमाग में रखना होगा, जो कटोरा में पानी देंगे, सपोज ये है साइज है कटोरा का आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ऐसा अगर पानी देखिए मेल बर्जी जो है आ जाता है मेरे पास, अभी थोड़ा बहुत टाइम हो रहा है उतना भी नहीं हुआ है। और गाइस ये जो बोल रहा था आप लोग को, ये कटोरा में लगभग हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम ओआरएस इलेक्ट्रोल देना होगा, क्योंकि गर्मी आ रहा है, देखिए फिर से आ रहा है, खैर गाइस ये टाइम हो रहा है थोड़ा बहुत, तो आप लोग को इधर ओआरएस देना होगा, क्योंकि गाइस गर्मी में इन लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो गाइस ये देना होगा। और फिंच का अपडेट अगर बताओ तो फिंच जो अंडा लेकर के बैठी है, पहले ही भी बताया था। तो गाइस मैं केज खोल कर आप लोग को अच्छा से मेरा कॉकटेल को दिखा देता हूँ। और गाइस मेरा कॉकटेल को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बोलना।
देखिए गाइस कैसा कर रहा है और क्या आवाज करता है। ये ज्यादा गुस्सा नहीं है अभी क्योंकि एक महीना लगभग छोटा है ये, और ये जो है एक महीना बड़ा है, एक डेढ़ महीना छोटा है, फिर वैसे ज्यादा भी छोटा नहीं है। तो मैं फोन निकाल लेता हूँ, ज्यादा इन लोग को टेंशन में आ जाएगा, फिर से खाना बंद कर देगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा, फ्लैश भी ऑफ कर देता हूँ। सो गाइस ज्यादा कुछ आज का वीडियो में अपडेट देने का नहीं, यही देने का है भाई, बहुत दिन से सेविंग किया इसके लिए, बहुत दिन मेरा ड्रीम था, पहले भी पता है आप लोग को मैं बेबी खरीदा था तो वो मर गया था, खैर उसके लिए कुछ कर तो नहीं सकता, और ये मेरा बहुत दिन से ड्रीम था तो फाइनली गाइस आ गया ट्रू। और गाइस मैं एक चीज बोलना चाहता आज का वीडियो में कि गाइस बहुत कोई ऐसा हॉबीस्ट है जो कि भाई साहब कॉकटेल्स या फिर कोई भी बर्ड्स फिश लेता है, डॉग्स लेता है, पर उन लोग का केयर नहीं करता है। गाइस बहुत कोई ऐसा है कि बहुत अमीर आदमी है, चलो अभी मन हुआ तो ले लिया, बाद में कुछ भी हो जाए उसे छोड़ दूंगा बाहर। तो गाइस ये सब मत कीजिए, हम लोग जैसा हॉबीस्ट बहुत दिन से पैसा जमा जमा के ये फिश खरीदते हैं, ये डॉग खरीदते हैं, या फिर डॉग्स लोग को खाना देते हैं, स्ट्रे डॉग्स को, नया नया बर्ड्स खरीदते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सो गाइस हम लोग ऐसा करके हम लोग केयर करते हैं सोचिए, और जिसके पास पैसा है अगर वो ऐसा करेगा कि खरीदा, जब मन चाहे खरीदा उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा बहुत कोई है, ये तो स्पेशली डॉग्स में होता है। गाइस डॉग्स खरीदते उसके बाद जब मेटिंग नहीं, ब्रीडिंग नहीं कर पाता है, उसे रास्ता पे छोड़ देता है। गाइस यही मेरा एक रिक्वेस्ट है, गाइस ये चीज़ मत कीजिए, ये बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि गाइस इतना साल से रह रहा है। सो गाइस ये करना ही नहीं चाहिए। सो गाइस यही बोलना चाहूँगा और कुछ नहीं है, और गाइस आप लोग अगर पाल रहे तो बहुत अच्छा, पर इसे कभी अबैंडन ना कीजिए। और गाइस ये था आज का वीडियो, और गाइस नीचे वाला भी अपडेट दिखाई देता अगर बर्ड्स का वीडियो कर ही रहा हो तो। ये देखिए गाइस वो जो मेल है वो थोड़ा बहुत अभी टेमिंग हो रहा है, ये जो येलो और एक व्हाइट है नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये पेयरिंग अभी हो रहा है बेबीज से अंदर। बेबीज का अपडेट अभी नहीं दूंगा, सरप्राइज है, लेटर ऑन दूंगा। और गाइस लास्ट बार देख लीजिए, मस्त लग रहा है वैसे देखने में। और ये मैं सोचा था मेरे को एक ब्लैक मेल चाहिए और लुटिनो फीमेल चाहिए, पर नहीं मिला। और गाइस ये देखिए अभी कॉन्फर्म फीमेल बोल सकते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत इसका है, पर ये कॉन्फर्म मेल है ये नहीं बोल सकते क्योंकि गाइस अभी बहुत ही छोटा है, अब कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। अभी डीएनए तो नहीं करूंगा, लेटर ऑन अगर पता चलेगा तो तब दिखाई देगा, तब भी मैं जिस एक्सपर्ट से लिया हूँ वो लगभग बहुत दिन का, बहुत साल का एक्सपीरियंस है तो मेरे को अंदाजा लगा के दिया है, तो आई थिंक कोई दिक्कत वैसे होगा नहीं। और गाइस ये देखिए फिंच अभी इधर बैठी हुई है, फ्लैश ऑन कर देता हूँ, देखिए अंडा दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। और गाइस और नीचे जो है मेल है। सो गाइस आज का वीडियो और ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ये था आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, लाइक के बिना कहीं मत जाना, और मेरा नया कॉकटेल बर्ड्स अगर अच्छा लगा है तो यह चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इन लोग का व्लॉग्स और भी दिखाई दे, नॉट ओनली इन लोग का व्लॉग्स, डॉग, फिशेस, कैट्स और भी एनिमल्स का व्लॉग आप लोग इसी चैनल में दिखाई देगा। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को एक बार एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।